यूक्रेन से एक बड़ी जानकारी ऐसी जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यूक्रेन में बड़ा हादसा हुआ है और हादसा क्या, बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, लेकिन वजह क्या रही, कारण क्या रहा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच क्या चल रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है। हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री की मौत हो गई और युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में बुधवार की सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री की भी मौत की खबर सामने आई है और समाचार एजेंसी है AFP उसके मुताबिक हम सब कुछ आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश का हादसा छोटे बच्चों की देखभाल करने वाले एक सेंटर के पास हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों सहित कुल मिलाकर 16 लोगों की मौत हुई है। हादसे में यूक्रेन के इंटीरियर मंत्री डेनिस मोनास्टिर्सकी की भी मौत हो चुकी है। जी हां, डेनिस जो कि इंटीरियर मंत्री थे यूक्रेन के, उनकी मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश राजधानी कीव में 20 किलोमीटर दूर ब्रोवेरी क्षेत्र में यह हुआ है। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में अचानक से आग लग गई थी और किसी को मौका नहीं मिला, जान कैसे बचाती, अचानक से आग लगी और ये पूरा क्रैश हो गया। यूक्रेन में बिल्डिंग से टकराए ये क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, और आप सोचिए कि कैसे ये हादसा हुआ होगा और क्या बनाई होगी उन पर जो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। गृह मंत्री सहित 16 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि धीरे धीरे और भी जानकारी निकलकर सामने जरूर आएगी कि असल में हुआ क्या था। युद्ध के बीच ऐसी खबर यूक्रेन के लिए सामने आना, ये बहुत बुरी खबर है यूक्रेन के लिए। आप सोचिए मंत्री की मौत हो जाती है इस हादसे में, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, 16 लोगों की जान चली जाती है, इसकी जांच होगी क्या कारण रहा, क्या वजह रही, ये बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन रूस क्या प्रतिक्रिया देता है इस पर, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि रूस तो नुकसान पहुंचाना चाहता है यूक्रेन को। यूक्रेन रूस के हमलों को झेल रहा था पहले भी, बीच में हमने देखा कि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए जरूर युद्ध विराम हुआ था, उसके पीछे का कारण भी सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ ये भी सब जानते हैं। और पिछले कुछ समय में यूक्रेन और रूस आपने सामने थे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, क्या टेक्निकल कोई फॉल्ट था, ये बड़ा सवाल है। एक तस्वीर जरूर सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की ये तस्वीर है जहां पर हादसे के बाद की ये तस्वीर बताई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हादसों के कारण के लिए अब टीम भी वहां पर एक्टिव हो गई है। और इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि यूक्रेन के जो जवान हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और इस तस्वीर में देखा जा सकता है आसपास काफी बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि इस हादसे के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। और अभी जो यूक्रेन के बड़े अधिकारी हैं और राजनीतिक तौर पर जो यूक्रेन को संभाले हुए हैं वो चिंतित होंगे, उनकी चिंता बढ़ गई होगी कि एक तरफ जहां युद्ध का सामना कर रहे हैं और गृह मंत्री तक की मौत की खबर सामने आना, आप सोच सकते हैं गृह मंत्री का कितना बड़ा काम होता है किसी देश के लिए, और गृह मंत्री के पास कितने बड़े अधिकार होते हैं, और गृह मंत्री एक हादसे में मारे जाते हैं, इंटीरियर मंत्री के मारे जाने की जो कि नाम बताया गया डेनिस, वो भी मारे जाते हैं, तो कितनी बड़ी दर्दनाक ये खबर है। और ये दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है खबर, और सभी देश जानना चाहते हैं यहाँ पर हुआ क्या था, बिल्डिंग से कैसे टकरा गया एक हेलीकॉप्टर, तकनीक कैसी है यूक्रेन के पास, सबके पास ये जानकारी है। और जानकारी मिली है कि एक वहां के जो डिप्टी होम मिनिस्टर हैं उनकी भी जान गई है, ये भी जानकारी मिल पाई है। होम मिनिस्टर की मौत हुई है, डिप्टी होम मिनिस्टर की मौत हुई है, आप सोचिए वो एक साथ थे और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, एक बिल्डिंग से टकराता है, उसके बाद ये हादसा हो जाता है। हादसे का कारण फिलहाल मालूम नहीं है क्योंकि शुरुआती जानकारी ना सामने आ रही है। एक तस्वीर जरूर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि यूक्रेन में हादसे के बाद कैसे हालात बने हुए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि नेपाल में जो हुआ वो भी सबके सामने, वहाँ पर एक ट्रेन क्रैश होता है और वहाँ पर 70 के करीब लोगों की मौत हो जाती है और ब्लैक बॉक्स वहां पर मिलता है, वहां पर जो हादसे का कारण है वो तराशा जा रहा है असल में क्या हुआ था, टेक्निकल फॉल्ट वहां पर हुआ था। लेकिन अब यूक्रेन में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, यहां पर 16 लोगों के मारे जाने की खबर है, इसके पीछे का कारण क्या, वजह क्या रही होगी, ये देखना भी वाकई में एक बड़ी बात होगी कि यहां पर असल में हुआ क्या था, क्योंकि यूक्रेन भी एक अच्छी तकनीक के साथ काम करता है, हेलीकॉप्टर में भी अच्छी तकनीक होगी, कौन सा ये हेलीकॉप्टर था, किस तकनीक से था, और क्या ये हेलीकॉप्टर दूसरे देश से लिया हुआ हेलीकॉप्टर था, और ये हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, क्या इसमें सुविधाएं थी, और क्या कारण रहा, क्या वजह रही, क्या टेक्निकल फॉल्ट आया, या फिर जो पायलट हेलीकॉप्टर को चला रहा था उसका कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ, ये कई सवाल ऐसे जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिल सकते हैं और ये यूक्रेन देश ही दे सकता है। एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है यूक्रेन को इस हादसे में। जो भी अपडेट होगा, जो भी जानकारी होगी, खबरें तक आप तक जरूर पहुंचाएगा।